आज की वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नंबरिंग, बुलेट और मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने होम टैब को क्लिक करके रखा हुआ है। यहाँ पर होम टैब के अंदर का पैराग्राफ ब्लॉक दिख रहा है जिसके अंदर हमको बुलेट, नंबरिंग और यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लाइन लिखा हुआ है एमएस ऑफिस, यहाँ पर टैली और डीटीपी। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको बुलेट वाइज जो है मैं मेंशन करूँ तो इसको तीनों को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप बुलेट ऑप्शन में जाएंगे, जो भी टाइप का आपको बुलेट स्टाइल पसंद आता है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से आप बुलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी टाइप का आपको पसंद आता है। बट अगर आपको बुलेट स्टाइल नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद क्या कर सकते हैं, आपको जो भी नंबर स्टाइल चाहिए अल्फाबेटिकल सीरीज में, रोमन नंबर सीरीज में या फिर नंबरिंग सीरीज में आपको जो चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से जो है नंबर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ये बुलेट लगाने के लिए, सेकंड जो ऑप्शन है वो है आपके नंबर देने के लिए। इसके अलावा अगर आपको और भी अगला पॉइंट लेना है तो एंटर आप करेंगे और जो है चौथा पॉइंट आ जाएगा और इसमें आप जो है जो यहाँ पर जानकारी बताना चाहते हो उसको आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी कभी हमको लगता है कि हमको ये एमएस ऑफिस के अंदर के पॉइंट बना के लिखने हैं तो उस कंडीशन पे ये मल्टी लेवल लिस्ट काम आते हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको क्लिक नहीं करेंगे। हम जो है क्या करेंगे, इसके बाद जो है एमएस ऑफिस के बाद हम इंटर करेंगे। यहाँ पर एमएस ऑफिस के लास्ट में मैंने कर्सर को रखा, इंटर किया तो आप देखेंगे पॉइंट हमारे सेकंड हो गए। लेकिन अगर हमको लगता है कि हमको सेकंड पॉइंट नहीं लिखने, हमको जो है कि इसके अंदर पॉइंट बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड का टैब की प्रेस करेंगे जो कैप्स लॉक के ऊपर होता है, इसको आप प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नया बुलेट आ गया। अगर आपको बुलेट लगता है कि मेरे को ये वाला स्टाइल नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बुलेट दूसरा स्टाइल चुन सकते हैं, अदरवाइज जो है आप रोमन नंबर या कोई अदर स्टाइल भी ले सकते हैं यहाँ से नंबर में जाकर। यहाँ पर जाने के बाद जैसे कि आप क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एमएस ऑफिस के अंदर का वर्ड होता है, एक्सेल होता है, एक्सेल हमने लिख दिए। एक्सेल के अलावा पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट ले लिए। इसके अलावा एक्सेस वगैरह होता है तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। और जब हम इसको बताएंगे तो जो है यहाँ पर जो है कि क्या हो गया, लेवल के अंदर जो है हमने क्या किया, यानी पॉइंट पॉइंट के अंदर हमने पॉइंट बना के लिए, तो ये मल्टी लेवल लिस्ट होते हैं। इसके अलावा जो है कि जैसे कि हमको फिर से एंटर करते हैं और हमको पॉइंट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार एंटर करेंगे तो सेकंड पॉइंट आ रहे हैं, बट सेकंड पॉइंट हमको नहीं चाहिए तो एक बार हम बैक स्पेस देंगे, एक बार और दे देंगे और ये जो है कि वापस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको टैली के अंदर भी पॉइंट बना के लिखने हो तो इंटर करेंगे, यहाँ पर कर्सर को रखने के बाद इंटर के टैब की प्रेस किए, देखिए ऑटोमेटिक पॉइंट आ गए नंबर। इसके अलावा जो है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे कि टैली के एडवांस लिख देते हैं, यहाँ पर जो हम टैली एडवांस के बाद जो है कि टैली जीएसटी लिख दे सपोज। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंटिंग करके जो है क्या कर सकते हैं, अपना जो है जो भी नंबरिंग देना है, जो भी पॉइंट लिखना है इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये नंबरिंग दिए और नंबरिंग के अंदर हमने जो नंबर दिया हुआ है ये मल्टी लेवल लिस्ट कहलाते हैं। तो दोस्तों आपका आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।